अस्सलामुअलैकुम, वेलकम टू आर यूट्यूब चैनल। इस वीडियो में आप जैसा कि देख सकते हैं, हम लाहौर सफारी ज़ू में जा रहे हैं और ये उसकी एंट्रेंस थी और ये बिल्कुल उसका मतलब स्टार्ट था। उस दिन बरसात की बारिश थी, इस वजह से सारा पानी खड़ा हुआ था। जहाँ पे काफ़ी गुड पॉइंट्स हैं, वहाँ पे कुछ बैड पॉइंट्स भी हैं, लेकिन वो खैर हर एक के अपने अपने देखने का अंदाज़ होता है। ओवरऑल ये ट्रिप अच्छा था, तो हम आपको दिखाएंगे इसमें कि हमने इधर लाहौर ज़ू में कौन कौन से जानवर देखे और आपको पता चल जाएगा कि कितना एंजॉय किया। एनीवेज, लेट्स वॉच विद अस। ओके जी, तो इनके पास ये जो हट्स इन्होंने बनाए हुए एनिमल्स को, केज या जो भी कह लें, उसमें इन्होंने मंकीज़ रखे हुए थे। एक एक बॉक्स में एक मंकी था, ये जो छोटा सा रूम बना हुआ है, एक मंकी था। इसके साथ वाले में भी एक ही मंकी था। और मतलब मुझे इनके लिए बहुत ज़्यादा पिटी फील हुआ कि इनको आदत है शाखों पे झूलने की, और जिस तरह ये देखें हम इसको पत्ते की टहनी के साथ पत्ते लगे हुए हैं, कि वो एक्चुअली वो पत्ते खाना नहीं चाह रहा लेकिन वो उसके साथ झूलना चाह रहा है। बस मुझे ये सैड पॉइंट लगा कि मंकीज़ जो हैं वो अपनी जगह पे खुश रहते हैं जहाँ पे वो होते हैं, लेकिन वो बिल्कुल इस तरह यहाँ कैद हुए हुए थे। ओके जी, यहाँ से निकल के कुछ फासले पे हम थोड़ा आगे को अपनी कार पे गए, तो ये एक केज में एक
बियर था। मुझे तो ये ब्लैक बियर लग रहा था, लेकिन वो कह रहे थे कि ये वाइट बियर है। सो अंकल इसमें ब्रीफिंग दे रहे हैं हमें कि ये क्या करता है, कहाँ रहता है, क्या खाता है। एनीवेज फिर उसके साथ बिल्कुल नेक्स्ट केज में लॉइन थे। अब आप उसकी पैथेटिक हालत देख लें कि लॉइन के केज की, मतलब उसके रूम की कैसी हालत है। मतलब सफाई का कोई इंतज़ाम नहीं है। अगर आपने एनिमल्स रखे हैं तो उनकी उसकी सफाई का तो ध्यान देना चाहिए। और यहाँ पे क्या कहा जाता है कि यहाँ पे मगरमच्छ होते हैं, बट हमने तो बहुत देखा लेकिन हमें नज़र नहीं आया। और इनके पास दो हिरन भी थे, एक मारखोर था। सो एनीवेज ओवरऑल ट्रिप अच्छा था, लेकिन जो एनिमल्स के लिए सफाई का इंतज़ाम था ना, वो बिल्कुल नहीं अच्छा था। बाकी ओवरऑल ट्रिप हमने इंजॉय किया। ये जो आपको नज़र आ रहा है, ये नीलगाय खड़ी थी और उसके बहुत करीब दो थोड़े से फासले पे 3-4 ज़ेब्रास थे। तो बच्चे काफ़ी एक्साइटेड हो रहे थे, लेकिन बारिश के बाद थोड़ा जो उनको एटमॉस्फेयर प्रोवाइड किया गया था वो देख के अच्छा नहीं लगा। ग्रास और वो उसकी काफ़ी कमी है। ओके, जो सबसे मज़े का यहाँ पॉइंट था ना, वो यहाँ पे झील थी जिसमें ये बोटिंग का पॉइंट है। और आप जब यहाँ पे जाएं तो आप इसको ज़रूर ट्राई करें। ऑल दो मुझे डर लगता है, लेकिन मैंने बच्चों को और फैमिली को भेज दिया था बोटिंग करने के लिए। आप देख सकते हैं, मतलब एक मोटर वाली बोट थी जिसमें मोटर के साथ चलाते हैं और 7 से 8 लोग इसमें बैठ सकते हैं। और उसके अलावा एक पैडल वाली भी थी जिसमें कपल या दो लोग कोई भी बैठ जाते थे। ये एक फ़ोटो बूथ बनाया हुआ था जिसमें इन्होंने पैरट्स रखे हुए थे, और एक उकाब था जिसे ईगल कहा जाता है। और ये एकदम से हमने बग्गी भी देखी, उसकी भी राइड के पैसे थे, और इसके साथ फ़ोटोशूट करवाने के भी पैसे लिए जा रहे थे। एनीवेज इनको बांधा गया था इनके पैरों से, जिसकी वजह से बच्चे काफ़ी डर भी रहे थे लेकिन इन्जॉय भी किया। और पानी की निकासी का कोई इंतज़ाम नहीं लग रहा था जी। तो थोड़ा आगे जाके यहाँ पे फ़न दुनिया बना हुआ है, जहाँ पे काफ़ी ज़्यादा राइड्स थी, लेकिन हम नहीं जा सके क्योंकि ऑलरेडी शाम हो रही थी। और सिर्फ एक पॉइंट देखने वाला रह गया था हमारे लिए, जो जहाँ स्नैक्स होते हैं। ये कैमल भी था, कैमल राइडिंग के लिए इन्होंने रखे हुए थे। और मतलब इन चीज़ों पे टिकट्स थे ऑलमोस्ट सब पे। और ये आ गया जी हम स्नैक हाउस पे। स्नैक हाउस देखने में तो काफ़ी मतलब डर लग रहा था। और ये टिकट्स के रेट देखें, 10 साल से कम उम्र बच्चे के 10 से 20 और बड़ों के 50। एनीवेज हमने टिकट्स दिए और इनके हर एक बॉक्स के सामने हम आके देख रहे थे। ये पहले बॉक्स में हमें ये जो शोकेस बनाया हुआ था इसमें हमें स्नेक नज़र आया। काफ़ी हॉरिबल सीन था, लेकिन उसके बाद हम काफ़ी उनको जूम करते रहे लेकिन हमें स्नेक नज़र नहीं आए। और अजीब सी स्मेल थी यहाँ पे। ये देखें, ये हर एक के बाहर स्नेक का नेम लिखा हुआ था और उनकी थोड़ी डिटेलिंग थी। वो खैर मैं जूम नहीं कर सकी क्योंकि मुझे खुद बहुत डर लग रहा था, लेकिन ओवरऑल ट्रिप वाज गुड, वी एंजॉयड अ लॉट। लेकिन थोड़ा सा मैं डिससेटिस्फाइड सिर्फ जंगल के इंतज़ामिया की वजह से हुई।